आज मैं आपको महंगे रत्नों में और सस्ते रत्नों में अंतर करने का तरीका बतलाऊंगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे रत्न मैं दिखाऊंगा जिनसे आप बड़ी आसानी से इस बात का निर्णय कर सके कि महंगे रत्नों में और सस्ते रत्नों में क्या अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। इससे पहले मैं विषय को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं या आप राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों वैसे तो इसी वीडियो में मैं आपको रत्नों की 5-6 वैरायटी अलग अलग दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप रत्न खरीदने जा रहे हैं तो 4 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, दोस्तों रत्न टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो रत्न में टूटा फूटा हुआ होता है उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, दोस्तों रत्न का कलर एक जैसा होना चाहिए, दुरंगा रत्न भी बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होता। नंबर 3, दोस्तों नेचुरल जो स्टोन होता है उसमें छोटे मोटा 1-2 रेशा रहना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेशे अंदर नहीं दिखने चाहिए, ऐसा रत्न भी बहुत कीमती नहीं होता। नंबर 4, दोस्तों आप जो रत्न खरीदने जा रहे हैं यदि उसका वजन 3 कैरेट से कम है तो भी वह रत्न सस्ता हो जाता है। रत्न जितना ज़्यादा वजन का होगा 4, 5, 6, 7 कैरेट में उतना ज़्यादा कीमती होता जाता है। 7 कैरेट से ऊपर का जो रत्न है उससे ऊपर का जो साइज है वह वास्तव में ही बहुत अच्छा माना जाता है और उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 5 कैरेट से ऊपर का रत्न आप खरीदे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 कैरेट से नीचे के रत्न का जो कीमत है उसकी वो कम हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको रत्नों की अलग अलग वैरायटी जिससे आप आसानी से समझ सके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह नीलम जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल 1 नंबर का प्रथम श्रेणी का माल है, एकदम चमकदार है, कोई दाग धब्बा नहीं है, ये फर्स्ट क्वालिटी होती है। ये इधर भी नेचुरल एकदम बड़े पीस हैं, लेकिन उससे थोड़ी इनकी वैरायटी नीचे है। देखो थोड़ी साफ सफाई कम है उससे, और वो सब ये द्वितीय श्रेणी का माल है। दोस्तों ये जो माल आप 3 नंबर पर देख रहे हैं ये क्वालिटी तो यही है, कलर बहुत अच्छा है, लेकिन साइज में ये मार खा गया इसलिए उससे थोड़ा नीचे हो गया। 4 नंबर पर जो आप देख रहे हैं साइज अच्छा है, नेचुरल कलर है, लेकिन कलर एक जैसा नहीं है, पीला नहीं है, कहीं कहीं थोड़े दाग धब्बे दिखते हैं, दुरंगा दिखता है, इसलिए थोड़ा और नीचे हो गया। 5 नंबर पर साइज तो मीडियम है लेकिन दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी 3-4 नंबर से कम है इसलिए और सस्ता हो गया। 6 नंबर पर जो आप देख रहे हैं इसमें कलर की दिक्कत है, इस माल में कलर बहुत शानदार नहीं है तो इससे और सस्ता हो गया। और 7 नंबर पर दोस्तों ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, ट्रांसपेरेंसी कम होने के साथ साथ कलर में भी दिक्कत है और कहीं कहीं दाग धब्बे हैं तो ये और नीचे आ गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको पन्ना, ये देखिए ये एकदम फर्स्ट क्वालिटी का माल है, चमकदार जाम्बिया का बहुत हाई लेवल का पन्ना है, ये देखिए ये नंबर 1 पे आता है लगभग ये माल, ये 1 नंबर। दोस्तों 2 नंबर में कलर तो बहुत अच्छा है, साइज भी बहुत अच्छा है, साफ सुथरा माल है बिना टूट फूट के, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है इसलिए ये 1 नंबर से थोड़ा कम कीमत का हो गया। 3 नंबर पर आप देखिए, 3 नंबर पर जो आप ये माल देख रहे हैं साइज बहुत अच्छा है इसका, इसमें कलर भी ठीक है लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए उससे थोड़ा नीचे आ गया। 4 नंबर पर ये 4 नंबर वाला जो माल है 3 नंबर से साइज में छोटा है और थोड़ा ब्लैकनेस भी इसमें दिख रही है इसलिए कीमत और कम हो गई। और 5 नंबर पर जो आप यह माल देख रहे हैं दोस्तों इसमें दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा कलर इसका नहीं है इसलिए यह और कम हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से आप माल को पहचान सकते हैं, यह माल को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया। कामना करता हूँ बात आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को यह बात समझ आ सके और आप लोग माल खरीदने में धोखा ना खाएं।